एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिठाला के अंदर और रिठाला गांव के अंदर, जैसे कि पहले से परिचित है रिठाला और यहां पर बहुत तादाद के अंदर आम जनता रहती है, और यहीं पर एक प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर जिस आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव मंदिर के अंदर, और शिव मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है और ये रिठाला गांव के अंदर है, और जैसे कि रिठाला को आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और रिठाला मेट्रो स्टेशन भी इसी गांव की वजह से उस मेट्रो स्टेशन का नाम रिठाला पड़ा है। और आज इस मंदिर के अंदर हैं, अभी यहाँ कुछ ही क्षणों के अंदर अभी सुंदरकांड होने जा रहा है, और हमारे बीच हैं श्री 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 108 स्वामी पुनीत नारायण जी, जो अग्नि अखाड़ा संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं और आत्म जागृति मिशन से। आइए हम उनसे मालूम करते हैं, बात करते हैं कि आज का जो कल्चर है और जो हमारा विदेशी कल्चर है उससे कहीं अलग होना चाहिए, लेकिन आजकल का जो युवा है या हमारी जो युवती हैं जो एजुकेशन ले रही हैं, आजकल विदेशी कल्चर को ज़्यादा अपना रही हैं। और दूसरा कि जो सुंदरकांड है, ये सुंदरकांड क्यों कराया जाता है, कब कराया जाता है, इसका सुंदरकांड कराने का क्या मकसद है। हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी पुनीत नारायण जी, आज हमसे बात करते हैं। स्वामी जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, और जैसा पुराना है उसकी अपेक्षा जो यहाँ आप इतनी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ आम जनता का निकलने का क्या कारण है? ऐसा है कि धीरे धीरे धर्म से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और जगह जगह जो ये हमारे देश की राजनीति है, इसने मंदिरों में भी अपना स्थान बना लिया। तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि संस्कृति, हमारा युवा जो है वो जो ब्रिटिश संस्कृति और फॉरेन संस्कृति की तरफ मुड़ रहा है, तो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से नई नई खोजों और आविष्कारों का देश रहा है। तो अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति में ही घुसे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का तरक्की करना और इसका आगे बढ़ना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। तो इसलिए युवा जो कर रहा है वो तो बहुत ठीक काम है, और वो विदेशी संस्कृति की तरफ जाके सिर्फ इतना है कि उसको अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं। अगर उसको अपनाएंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको कि आज नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनमें 90% लोग हमारे हिंदुस्तान के हैं। तो और ये मेरा कहना नहीं है, आप गूगल पे जाके नेट पे जाके सर्च कीजिए कि जो वहाँ वैज्ञानिक बैठे हैं उसमें 90% लोग हिंदुस्तान के हैं। तो अगर ये लोग पढ़ते नहीं और अंग्रेजी सभ्यता को सीखते नहीं तो इनका वहाँ जाना मेरे ख्याल नामुमकिन था। तो वहाँ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को भूल जाना बहुत बुरी बात है, और मैं समझता हूँ कि युवा संस्कारों को भूल नहीं रहा है, ये थोड़ा सा भ्रम है।
और सर, जैसे कि आजकल के टाइम में जो हमारे ये युवा बच्चे हैं वो कपड़ों का पहन सहन देख लें या खाने पीने का रहन सहन देख लें, जो अधिकतर जो है वो विदेशी खाने पसंद कर रहे हैं, विदेशी कपड़ा पहनना पसंद कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ की जो संस्कृति है उसको धीरे धीरे करके वो समाप्त करते जा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर ये बात मैं जरूर कहूँगा, नहीं आप ये नहीं कह सकते कि संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो उनका भोजन है वो थोड़ा बिगड़ गया है, वो थोड़ा फास्ट फूड की तरफ चला गया। हाँ, ये चिंता तो मैं मानता हूँ कि ये बर्गर और ये चाउमीन और ये पिज़्ज़ा, इसने हमारी जो नई पीढ़ी है इसको आकर्षित किया है। तो उसमें थोड़ा सा जो है, मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जो पारिवारिक परिवेश था उसमें काफ़ी फर्क आया है ना। ये पिज़्ज़ा हमारे यहाँ मक्का की रोटी साग बनना बंद हो गया, बच्चों को उसके स्वाद का पता नहीं, और घर से भी कुछ व्यवस्थाएं फास्ट हो गई, फास्ट फूड के साथ व्यवस्थाएं भी फास्ट हो गई। मदर फादर दोनों काम करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है बच्चों को लंच दिया जाए, है ना, तो वो जो बाज़ार में बिक रहा है उसे खा रहे हैं, है ना। तो मेरा मानना यह है कपड़ों से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म तो शुरू से ही आप देखें तो समय परिस्थिति के अनुसार ही चला है उसने अपने आप को, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत लचीला है, अगर हम माने तो हिंदू धर्म बहुत लचीला है, ये हर वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है जी। तो ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो अंग्रेजी बोले, हिंदी अंग्रेजी कपड़े पहने, लेकिन थोड़ा सा डर फास्ट फूड से है जो कि काफ़ी लोगों में आ गया है, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि युवा इस पे ध्यान दें। और बाकी कपड़ों से तो मुझे कोई परेशानी है नहीं, और ना मुझे अंग्रेजी बोलने से है, हिंदी ना भूलें, राम का चरित्र ना भूलें, सुंदर कांड ना भूलें, तो सब चलता है। अभी आपने सुंदर कांड का नाम लिया, स्वामी जी सुंदर कांड का एक क्या मतलब है, ये सुंदर कांड क्यों कराते हैं और सुंदर कांड का उद्देश्य क्या है? तो सुंदर कांड का स्वयं ही नाम सुंदर है तो वो सुंदर हुआ, और कांड का मतलब कार्य से कहा गया है, कार्य सुंदर कार्य है, क्योंकि रामचंद्र जी को 14 वर्ष वन में हो गए थे भटकते हुए, और ये जो सुंदर कांड है ये अंतिम कांड है भगवान राम को सीता से मिलाने के लिए और रावण पर विजय पाने के लिए। तो इसलिए जिस कार्य के द्वारा भगवान का सीता से, भगवती से मिलन होगा, वो कार्य कितना सुंदर होगा उसका सारा वर्णन इस सुंदर कांड में है, इसलिए ये सुंदर है, क्योंकि इसमें जितने प्रयत्न किए गए हैं वो सारे भगवान राम को माता जानकी से मिलाने के लिए और दुष्ट रावण का संहार करने के लिए। सर, इसकी कोई अवधि होती है, किस अवधि के अंदर ये समाप्त हो जाता है, या सुंदरकांड का एक समय होता है कि समय पे निश्चित ये सुंदरकांड किया जाएगा? नहीं, मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी लोगों को देखा होगा, बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कुछ तो नहाते नहाते पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि हनुमान चालीसा का कोई समय नहीं है, तो जो हनुमान चालीसा आप नहाते नहाते पढ़ते हैं वो कुछ इस किस्म की होती है, मैं बता दूं आपको, जो हनुमान ज्ञान को सागर कभी तीन लोगों को जाकर फिर ठंडे पानी का एक डब्बा पड़ा तो वो आधे शब्द मुंह में ही घुस जाते हैं नहीं, तो उससे आपको क्या लाभ होगा, जबकि सुंदर ये हनुमान चालीसा जो है उसकी एक एक चौपाई अपने आप में महामंत्र है, है ना। हनुमान चालीसा तो खुद एक महामंत्र की पुस्तक ही कहें आप, लेकिन उसकी एक एक चौपाई एक मंत्र है। तो जहाँ तक आपने सुंदरकांड के लिए कहा तो 1.25 घंटे में सुंदरकांड ठीक से हो जाता है, लेकिन जब मस्ती के साथ इसको किया जाता है, बीच में भजन भी चलते रहें और भगवान का संपुट लगा रहे, जैसे कभी कभी संपुट लगाते हैं, तो अब एक संपुट ज़्यादा प्रचलित है इसमें, मंगल भवन मंगल हरी, हर चौपाई के बाद उसको लगाया जाता है, तो ये 2 घंटे में ख़त्म होता है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी व्यस्त जिंदगी में 2 घंटे तो आदमी भगवान के नाम के निकाल ले सकता है, तो इसलिए अभी हमने ये हमारा पाँचवा मंगलवार है, ये हमने 21 मंगलवार का यहाँ आश्रम में संकल्प लिया, और ये आश्रम भी बहुत पुराना है, बहुत पुराने के साथ मैं इसमें अवधि जोड़ देता हूँ, ऐसी मान्यता है कि जो नीचे शिवलिंग है हमारे गड्ढे वाले बाबा बोलते हैं उनको, और वो लगभग 60 वर्ष पुराने हैं जी। तो अब ये यहाँ नया शुरू हुआ है, अब शिवरात्रि पे आप आइए यहाँ न्यूज़ चैनल से और काफ़ी लोगों को लाइए, यहाँ पूरी रात्रि रुद्राभिषेक होगा, 6 बजे शाम
से 3 बजे तक रुद्राभिषेक होगा और 3 बजे बाबा के 3 से 3:30 बजे तक अबीर गुलाल के द्वारा होली खेली जाएगी, क्योंकि ये भगवान शिव का विवाह की रात्रि है। जो पहले जो दूसरा गर्मी में जो वो आता है शिवरात्रि, उसमें विवाह नहीं है शिव का, वो शिव की रात्रि है। उस दिन शिव का पूजन है, इस दिन मस्ती है क्योंकि बाबा का विवाह है। उसके बाद जयमाला पड़ेगी और भगवान का सत्कार किया जाएगा। स्वामी जी, आप या दोहा कहें या चौपाई कहें, एक चौपाई वो सुनाइएगा जिससे कि आवाम को ये लगे कि हमारी संस्कृति आज भी बरकरार है। देखिए, जैसे आपने कहा तो मुझे सुंदरकांड की एक जो दोहा है वो बहुत पसंद है, और उसके लिए अगर आप व्याख्या करेंगे तो वो सामान्य जीवन की व्याख्या है। जी जी वही, कि प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका अर्थात, इसको बहुत गहराई में अगर हम लेके जाएं तो इसका मतलब ये निकलता है कि संसार में आप कुछ भी कार्य करें, प्रभिसी नगर की जय सब काजा, यानी उसने तुलसीदास जी ने कहा कि नगर में प्रवेश करते हुए आप सब कार्य करें, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में भगवान राम को हमेशा विराजमान रखें, उनका स्मरण करें। तो मैं समझता हूँ कि संसार रूपी नगर में हम जो भी कार्य करें, जो भी हम कृत्य करें, उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमारे मन रूपी मंदिर में भगवान राम का हमेशा वास रहे। जैसे कि राजा जनक, जो राजा होते हुए भी 24 घंटे उनके अंतकरण में भगवान राम का सुमिरन चलता था। अब आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्रेम से रहें, और प्रेम के सिवा इस हिंदुस्तान का कोई उद्धार कर नहीं सकता। तो प्रेम जब तक नहीं होगा जब तक आपकी आस्था परमात्मा में नहीं होगी, क्योंकि प्रेम वहाँ से फूटता है, और जब आपकी आस्था होगी तो करुणा आएगी आपके हृदय में, और जब करुणा आएगी तो आपके हृदय से आंसू निकलेगा, आपकी आंखों से आंसू निकलेगा, और जब आंसू निकलेगा तो प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा और आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। इन जो स्वामी जी हैं और ये जो पंडित जी हैं, ये अभी सुंदरकांड करने जा रहे हैं। आपका नाम? पुनीत पांडे। पुनीत पांडे जी, आपके गुरु जी का भी नाम पुनीत जी, स्वामी पुनीत हैं, पुनीत जी हैं, और आपका नाम भी पुनीत जी है जी, क्या आपने उनका नाम चुराया तो कुछ कहते हैं? नहीं महाराज जी, तो 73-70 के हैं, हम तो अभी 96 के हैं। तो आप तो 76 के हैं, हम 96 के हैं, तो हम चुरा कैसे सकते हैं? और हमारे इनका संयोग भी अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, तो ये तो हो सकता है कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी संतों का संग मिलता है। तो हम तो ये कहते हैं कि प्रभु की हम पे कृपा हुई है जो हमारे ही नाम के गुरु जी मिले हमें। तो आपने यही रूप धारण क्यों लिया? क्योंकि आजकल के टाइम में तो एजुकेशन है, नौकरी भी कर सकते हैं, अपने व्यवसाय पेट पालन करने के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकते, तो आपने यही वस्त्र क्यों अपनाए? अब आपसे हम पूछे कि आप न्यूज में क्यों थे, आप पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके आप और भी कुछ कर सकते थे, फिर न्यूज क्यों? देखो, परमात्मा ने हम लोगों को यहाँ पे भेजा है तो अपने अपने कार्य सब कर रहे हैं। हमको हो सकता था, क्योंकि शास्त्रों में हमारे कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचीतानपि सृजन्ते गर्भस्थ युदेना। आयु मतलब उम्र, की इंसान की उम्र कितनी होगी, कर्म उसके कर्म क्या क्या होंगे, जैसे आपने पूछा मैंने ये कर्म का, आपका ये कर्म है, महाराज जी का ज्ञान उपदेश है, आयु कर्म और वित्तम, व्यक्ति कितना धन कमाएगा। कहते हैं कि आज लोग धन के पीछे भाग रहे हैं तो फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? कहते हैं कि जितना प्राप्त होगा उतना ही मिलेगा। तो ये धन, आयु कर्म और धन, और ये आपके निधन, अंतिम डेट, आपकी मृत्यु समय कब मृत्यु होगी, तो ये सब चीज़ें गर्भस्थेयु देहिना पंचैतानब, ये पांचों चीज़ जब शिशु बालक गर्भ में होता है ना, तो भगवान तभी प्रविष्ट कर देते हैं। पांच चीज़ों मतलब पांच तत्व जी, पांच तत्व प्रकृति के, पांच तत्व ये अलग हो गए, अग्नि पावक जल समीरा, ये तो पांच तत्व अलग हो गए, ये पांच वस्तुएं हैं, धन आयु कर्म विद्या और मरने की तिथि, जन्म होता है मरने की तिथि भी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो भगवान कहते हैं ना, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले तो प्रारब्ध बस हमारे पहले ही प्रारब्ध जैसा हमारा होता है उसके अनुसार हमारे सब हमें प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जितना हमारा प्रारब्ध में होता है वही से हमें प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि जो प्रारब्ध में है वो भोगना पड़ता है, लेकिन हमारे शंकर जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव वही मेट सकें त्रिपुरारी, जो हमारा प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध को भी शंकर जी मिटाने में समर्थ हैं।
तो वो प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कुछ लोग तर्क भी करने लगते हैं आजकल कि ये प्रारब्ध क्या होता है, कर्म क्या होता है, हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं तब भी भगवान हमें इतना कष्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, ना ही वो सुख देते हैं, इंसान अपने ही कर्मों का। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ, अपने किए हुए कर्मों का फल तो इंसान स्वयं भोगता है, हम किसी को सुख दुख देने वाले नहीं होते हैं। जैसा उसके प्रारब्ध में होता वैसे हम प्रविष्ट कर देते हैं, तो भगवान को दोष देना गलत होगा। पुनीत जी, जो आज सुंदरकांड आप करने जा रहे हैं कुछ क्षणों के अंदर, ये सुंदरकांड का महत्व क्या है? सुंदरकांड का महत्व यहीं पे है, एक गुरु का शिष्य जाता है उनके आज्ञा का पालन करते हुए। हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड उन्हीं के आधार पे हुआ, मैं जैसे महाराज जी ने पहले ही बता चुके हैं आपको, तो इसमें किस प्रकार गुरु के मंत्र का अभिवादन करते हैं, गुरु के मंत्र का जाप करके इंसान भव सागर से पार हो जाता है, वो इसमें बहुत ही उल्लेख से दिया गया है। और फिर जैसे कि आजकल के कुछ लोग हमसे कुतर किए कि हनुमान जी ना पेट्रोल है ना डीजल, कैसे उड़ सकते हैं साहस जीवन में, ना पेट्रोल है ना डीजल, हाँ कैसे उड़ सकते हैं, ये कैसे उड़ सकते हैं? तो हमने उनसे यही कहा कि हनुमान जी को उड़ते हुए सबने देखा, पर वो जिस वजह से उड़ रहे हैं ये किसी ने नहीं देखा। तो हनुमान चालीसा में भी लिखा है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही जलधि लांग गए। तो जो हनुमान जी को उड़ते हुए तो सबने देखा, लेकिन जिस वजह से वो उड़ रहे थे ये किसी ने नहीं देखा। वो जो प्रभु ने मुद्रिका दी थी उनको, वो उन्होंने मुख में डाल ली थी। अब उसने कहा था कि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रणम, ज्ञानी नाम के अग्रण हैं, बुद्धिमान है, तो उन्होंने मुख में क्यों डाल लिया? तो बहुत ही अच्छा किसी कवि ने जवाब दिया है कि अंगूठी को तो उन्होंने मुख में डाला, अंगूठी को नहीं डाला, लेकिन अंगूठी पे जो लिखा था वो तो मुख में ही रखने की चीज़ है। अर्थात अंगूठी में राम नाम लिखा था, और राम नाम यदि मुख में हमने डाल लिया तो भव सागर से हम पार हो जाएंगे। ये तो जलदिनी सागर था, तो हम जब भव सागर से पार हो जाते हैं, जैसे महाराज जी ने कहा, हम एक ही अपील करेंगे कि जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, धर्म की आजकल अवहेलना भी हो रही है क्योंकि कुछ चंद्र लोगों की वजह से आज हमारा धर्म निरपेक्ष हो रहा है। तो हम एक बार बता दूं अपनी बीती, एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे तो हमारा रिजर्वेशन था, तो बगल में एक संत जी बैठे हुए हमारे, तो रिजर्वेशन में आपकी सीट है तो कोई बगल में बैठ जाए तो ऑटोमेटिक आप जान जाओगे, तो बैठे हमारे बगल में। तो हमने कहा महाराज जी टिकट नहीं लिया। बोले टिकट, हम तो साधु हो गए हैं, हमको टिकट की क्या ज़रूरत? तो हमने कहा आप साधु हो गए इसलिए, मतलब इसीलिए साधु हुए कि आपको टिकट ना लेना पड़े। तो बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हम नागपुर पहुँचे तो वहाँ स्टेशन से जब बाहर गए, प्रोग्राम था तो हम तो आगे निकल गए, टीटी खड़ा हुआ था, हमसे टिकट दिखाया, बाहर हो गए। तो हमने कहा महाराज जी के पास टिकट नहीं, थोड़ा मैं देखता हूँ, थोड़ा वहाँ पे रुक के देखा। तो उन्होंने जैसे बोला टिकट, बोले सीताराम, बोले महाराज सीताराम नहीं टिकट, बोले राधे श्याम, बोले महाराज जी राधे श्याम से काम नहीं चलेगा, यदि आप टिकट दिखाओगे तभी हम आपको गेट के बाहर जाने देंगे। तो उन्होंने कहा राधे श्याम सीताराम कहने से लोग भव सागर पार हो गए, तो हमें छोटा सा गेट नहीं पार होने देगो, देखे ऐसे नहीं तो वो भगवान पार हो गए वो गेट, आगे चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि राम नाम बहुत ही, क्योंकि राम ने जितने लोगों का कल्याण नहीं किया उससे ज़्यादा लोगों का नाम से ही कल्याण हो गया राम नाम से। तो धर्म के लोगों, अगर एक अज्ञानी पुरुष ऐसे अगर बात करे, पुनीत जी जो अभी आपने बोला कि वो पार हो गए, तो इसका सारांश क्या? सारांश ये है, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि राम नाम शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है, इसको वहीं पे लो जहाँ पे उचित हो, इसका दुरुपयोग मत करो। यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो स्वयं आप दुरुपयोग हो जाओगे, तो इसका उचित जहाँ पे हो, क्योंकि राम नाम हमारे जीवन को, हमारे भव सागर, जैसे हनुमान जी ने राम नाम की उंगली अंगूठी को मुँह में डाला भव सागर पार हो गए, तो हमको ये राम नाम जो शब्द है ये भव सागर से पार करने वाला है, ना कि कहीं असली शब्द में थोड़े थोड़े से मांगने की जगह पे राम नाम के नाम से, ये सब नहीं करना चाहिए। धर्म का इससे निरपेक्ष होता है, इससे नहीं करना चाहिए ऐसा। I'm not afraid of the dark.
सुंदरकांड सुन रहे थे, यहाँ बहुत अच्छी तालाब के अंदर सुंदरकांड सुना रहे थे और ये हारमोनियम और ढोलक पे तो इतनी अच्छी ताल लग रही थी जैसे सुंदरकांड जब सुना रहे थे। तो एक बार पंडित जी आप ढोलक में हाथ मार के दिखाएं आप कैसे बजा रहे थे। आपका नाम? विनीत पांडे। विनीत पांडे, विनीत पांडे जी आप ढोलक बजाते हैं, भजन भी गाते हैं जी। आप भजन कब से गाते हैं? मैं 11 साल का था तब से। 11 साल का जो ये भजन गाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बस अपने आप। अपने आप जी। ये कहते हैं भगवान का वरदान मिल गया जी। हैं? तो आप एक ऐसा भजन गाएं जो को आपको ये भारत ही नहीं आपको 120 देश देख रहे हैं तो पता लगे 120 देशों के अंदर कि भारत के अंदर भी एक संस्कृति है वो आज भी भजनों के आधार पर चल रही है जी। सुनाए। वंशी विभूषित करान्नवनीर दावात पीताम्बरादरुडबिम्ब फलान्तरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपिता।